अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सभी को स्वागत है हमारी नई वीडियो में। दोस्तों अभी मैं इंटर इंजीनियरिंग कंपनी में हूं और हमारे यहां आए हुए करीब 15 दिन हो चुका है आज लेके, और हमारा क्या स्थिति हुआ आज इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। हमारा वीडियो के पूरा अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा मोबाइल क्रेन ऑपरेटर में आया था तो हमारा थोड़ा सा मिस्टेक के कारण हमारा वो फेल कर दिया। उसके बाद बोला कंपनी कि तुम इंडिया जा सकते हो वापस, और वो भी अपने एजेंट से आए हो, उस टिकट कटाएगा तो ही वापस तुम इंडिया जा सकते हो। उसके बाद फिर हमने उनसे बहुत सारे रिक्वेस्ट किए कि सर हमारा घर पे बहुत ही स्थिति ख़राब है, मैं बहुत परेशानी से आया हूँ अपने गांव से और बहुत सारे पैसा खर्चा किया हूँ यहाँ पे आने के लिए। तो उन्होंने बताया कि एक और ऑप्शन देता हूँ, शायद अपना एशिया पावर जो भी आया था ना, उन लोग शायद सोल्यूशन निकाले होंगे। तो हमारे लिए एक कल ही जस्ट मेरा कुछ ऑप्शन दिया उन्होंने कि तुम अगर मोबाइल क्रेन में आए हो तो और तुम्हारा दूसरा काम भी मिल सकता है। तो मैंने पूछा कौन सा काम है, तो उन्होंने बोला यहाँ का जो इंजीनियर जो भी है ना सारे, तो उन्होंने बोला कि तुम पाइप फिटर में काम लग सकते हो। मेरा मोबाइल क्रेन का ऑपरेटर का सैलरी था $650 इंडिया का, इंडिया का पैसा बना 54-55 हज़ार बना था। तो फिर मैं वो बोला कि पाइप फिटर में तुम काम यहाँ पे कर सकते हो, तो अगर इंडिया नहीं जाना चाहते हो तो। तो हमने बोल दिया कि यार मजबूरी है तो क्या करें, कुछ भी काम तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम तो सीखे हैं, बाद में अपना कुछ जो भी काम धर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि हाँ ठीक है मैं ये करूँगा सर। तो देखते हैं पाइप फिटर में क्या क्या काम होता है, क्या नहीं होता है। तो हमारा कल बोले, कल जो जो घर जाना चाहता था, हमारा ग्रुप में 42 आदमी आया, उसमें से हम लोग फेल हुआ था 13 से 14 15 खुद का टिकट में 3 से 4 आदमी अपना गांव चला गया खुद का टिकट से। उसके बाद अभी जो ऑप्शन दिया था तुम पाइप फिटर में काम करना चाहते हो, उन लोग ऑप्शन में से 2 आदमी को नकार दिया कि हम इंडिया जाना चाहते हैं। तो बाकी बचा 8-9 आदमी, हम लोग 8-9 आदमी पाइप फिटर में काम में लग रहे हैं। तो वही देखते हैं फीटर का कैसा काम है। जो भी है यहाँ कोई दिक्कत नहीं है फीटर का, जो भी मुश्किल नहीं है, काम तो करना है, यहाँ पे फंसे हैं तो काम तो करना पड़ेगा, पैसा कमाना है, साल भर के बाद साल भर कैसे भी करके निकालते हैं। मैंने पूछा कि सैलरी कितने लगाओगे, तो उन्होंने बोला सैलरी तुम्हारा $550 रहेगा, मतलब सीधे $100 कम कर दिया। तो $100 कम कर दिया तो लगभग 8-9 हज़ार 10 हज़ार जो भी है वो कम हमारा हो चुका है। और वो भी पाइप फिटर में काम करेंगे तो कोई गलती भी ना होना चाहिए, अपने काम में ध्यान देना है बराबर। तो ये हमारा ऑप्शन मिला है, तो मैं आप सोचा कि मैं आप लोगों से क्यों ना बता दूं कि ये चीज़ हमारा साथ हुआ। तो मैं सोचा कि आज मैं वीडियो बनाता हूँ, अपने ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा पाइप फिटर में काम लग गया है। और अभी देख सकते हैं ये हमारा अपना डॉक्यूमेंट लेके जा रहा हूँ, एशिया पावर वाला पासपोर्ट वगैरह सब कुछ है। तो अभी मैं जाऊँगा अपना उधर ऑफिस में, इंटर इंजीनियरिंग ऑफिस में, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आज मेडिकल वगैरह जो भी है सब कुछ मैं आपको बताते रहूँगा।